नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में मौसम विभाग के अनुसार ठंड का कहर अभी और भी जारी रहेगा। जिस तरीके से पिछले दो दिनों से पटना में धूप निकल रही है, उससे लोगों को लगा था कि थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए पटना के जितने भी स्कूल है, सरकारी और निजी स्कूल, उसको खोल दिया गया है। लेकिन वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में अभी भी शीतलहर की स्थिति जो है वो बनी हुई है, कुहासे की स्थिति बनी हुई है। और वहीं बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और उनके जनजीवन प्रभावित नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि बच्चों के स्कूल जो है वो अभी नहीं खोले जाएंगे, और जब भी खोले जाएंगे तो एक समय निर्धारण के साथ खोले जाएंगे। जी हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में शीतलहर का प्रकोप अभी भी जारी है, वह हटने वाला नहीं है। और इसको लेकर मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। और बता दें आपको कि मौसम विभाग के अनुसार अभी शीतलहर खत्म नहीं होगा, और इसे देखते हुए डीएम ने यह आदेश जारी किया है और कहा है कि ठंड के कारण बच्चों के जनजीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और इसे देखते हुए 16 से 18 जनवरी तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद 19 से 25 जनवरी तक सुबह 9:30 बजे से 2:30 बजे तक शैक्षणिक गतिविधि जो है वो चलेगी, और तय समय से पहले और इसके बाद स्कूल खोलने पर प्रतिबंध लगा रहेगा। तो इसे साफ तौर से जिला प्रशासन की तरफ से यह आदेश आ गया है कि अभी मुजफ्फरपुर में बच्चों के स्कूल जो है वो नहीं खोले जाएंगे, और 16 से 18 जनवरी तक स्कूल अभी बंद ही रहेंगे। भले वो सरकारी स्कूल की बात करें, प्राइवेट स्कूल की बात करें, वो सभी स्कूल बंद रहेंगे। और वहीं 19 जनवरी से 25 जनवरी तक जो है वो स्कूल खुलेंगे, लेकिन सुबह 9:30 बजे से 2:30 बजे तक स्कूल जो है वो खुलेंगे। और साफ तौर से यह भी बता दें कि इसके सख्ती से पालन भी कराया जाएगा, और इस आदेश की अवहेलना करने वाले पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और इस आदेश से सभी SDO, सभी DSP और सभी थानेदार को भी अवगत कराया गया है कि इसका किस तरीके से पालन कराया जाए। और बता दें कि मौसम विभाग पटना ने परामर्श जारी करते हुए कहा है कि 16 से 18 जनवरी तक औसत न्यूनतम तापमान के वर्तमान स्तर में गिरकर 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, और इससे कहीं ना कहीं ठंड और भी ज़्यादा बढ़ने की बात कही गई है। और इसी के साथ ये रहा मुजफ्फरपुर स्कूल का हाल कि वहाँ पर कब से बच्चों के स्कूल खुलेंगे। अब सीतामढ़ी की बात करें तो जिलाधिकारी सीतामढ़ी के आदेश के आलोक में जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधि 21 जनवरी 2023 तक प्रतिबंध की गई है। शीतलहर की स्थिति में किसी भी प्रकार की कमी परिलक्षित नहीं होने के कारण जिला अंतर्गत सभी कोटे के सरकारी और निजी स्कूल जो है उन्हें 21 जनवरी तक बंद कर दिया गया है, और इस तरीके से कोई भी शैक्षणिक कार्य की गतिविधि जो है वो नहीं होगी। यह आदेश आवासीय विद्यालय पर भी लागू होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सीतामढ़ी और सभी पुलिस उपाधीक्षक सीतामढ़ी और तमाम जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये निर्देश दिया गया है। और कहा गया है कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए, अभी जिस तरीके से बिहार में ठंड जो है वो और भी गिरने वाला है और पारा और भी नीचे गिरने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए ये मुजफ्फरपुर प्रशासन ने और सीतामढ़ी प्रशासन ने अहम निर्णय लिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़।